कितने साल में प्रमोशन जो है वो दी जाती है, 3 या 4 साल? नहीं नहीं, यहाँ तो 2014 से लेकर अभी तक नहीं हुई है, यहाँ कोई पता ही नहीं चलता है। टीचर्स के भी अपने मसाइल हैं, वो कैसे हर जगह हरास हो रहा है। देखो एकेडमिक साइड पे देखिए, एकेडमिक साइड हमारी डाउन होती जा रही है, एक्टिविटी बेस्ड कि रिटायर होते हैं तो प्रमोटर, लेकिन उस प्रमोशन का फायदा क्या? उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इंसान को जब शौक होता है, जवानी होती है, जब एक इंसान उभरता हुआ शबाब पे होता है, तब इंसान को काम करने में मजा है। माँ भी हमारे, हमें चेयर की इज्जत है, हमें ऑफिसर्स की इज्जत है, लेकिन उनको भी हमारी इज्जत का सोचना चाहिए, उनको भी जस्टिस करना चाहिए अपनी कुर्सी के साथ। बहरहाल जब हम उनको समझ ही नहीं आती, तालीम स्कीम जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुई, बंद पड़े स्कूलों को खोला गया जहाँ जंग आलूदा थी, लेकिन सरकार को याद नहीं रहता है। सेब का अच्छा हिस्सा आप खा लो, बाकी फेंक दो। चीजें वो ट्रांसफरेबल हो गए हैं, उनको ट्रांसफर हो रही है, जो ब्यूरोक्रेसी से लिंक है, जो पॉलिटिकल लोगों से जिनके पास है पावर, वो तो होते हैं जिनका किसी एक आधा कर्मचारी को, अपने काम करने वाले को बार बार तंग करोगे, कभी एक चीज से आप येलो, पता नहीं क्या क्या काम करवाए जाते हैं, और नए प्रोग्राम आते हैं। आजकल मैं कहीं मीडिया में सुन रहा था कि आप हर स्कूल में एक सनम लोटस जी का काम करेंगे, प्रिंसिपल साहब क्या बारिश गिरेगी, स्कूल बंद करना है नहीं। कोरोना के समय की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से महामारी जो है वो फैली हुई थी, और उसी के लेके आपको बताएं कि टीचर्स जो कि अपनी सेवाएं ईमानदारी से दे रहे थे, और वहीं पर आज ये अपनी मांगों को लेकर सरकार से आवाज लगा रहे, गुहार लगा रहे। और वहीं पर इस वक्त हम डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन में है, जहां पर जेएनके की टीचर्स की बात करें जो यहां पर धरना प्रदर्शन करके बैठे हुए हैं, और वहीं पर दूसरी तरफ आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे जहां पर कश्मीर में भी डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन पे धरना प्रदर्शन करके टीचर जो है वो बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर। इन्हीं से बातचीत करेंगे, क्या कुछ इनकी मांगे हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ सबसे पहले आपकी मांगे हैं? सबसे पहले जो हमारे बद्दी चेयरमैन श्री गणेश खजूरिया हैं, उनके मतलब इनविटेशन से हम जहाँ पे आए हुए हैं, जो टीचरों के मसाइल्स हैं, बेसिकली बात ऐसे है कि 2014 से लेके टिल डेट तक जो हमारे टीचर टू मास्टर की DPC होती थी वो नहीं हुई। आज मैं लगभग 8-9 साल हो गए हैं, तो बेसिकली उसके लिए हैं, जैसे वो ट्रांसफ़र पॉलिसीज हैं या दूसरा है रेगुलाइजेशन हैं या टीचर की DPC है, तो उसके लिए हम जहाँ पे धरने के लिए आए हैं। और जो इनका इनविटेशन है, और जैसे भी इनकी हमें और भी मतलब जो इन्फॉर्मेशन या ऑर्डर मिलेगा तो उसके तहत पे हम काम करेंगे। कितने समय हो गया आपको ये मांगे करते हुए? मैम जैसे कि सर ने बताया कि हमारे जो चेयरमैन सर गणेश खजूरिया सर हैं, ये काफ़ी टाइम से इस फॉर्म को चलाते आ रहे हैं, और मैम इनकी डिमांड जो है वो टीचर्स के जो उनको जो जस्टिस नहीं मिलता हमेशा उन्हीं चीज़ों पर बिल्ट होती है। और हम इसीलिए जो यूथ भी है वो यहाँ पर इसीलिए आया है कि अगर स्टेट हमारी जो UT कहती है कि हमें टीचर्स की फुल जो है वो उनका जो योगदान चाहिए, यानी कि पढ़ाई में चाहिए, यानी कि स्पोर्ट्स में चाहिए, तो अगर उनको चाहिए कि हम टीचर्स अच्छे से काम कर पाएं तो उनको उनका स्टेटस तो दीजिए कम से कम। जी क्या कहना चाहेंगे मैम? जो गवर्नेंस का रवैया है टीचर्स के साथ, तो मैं देख रही हूँ डे बाय डे टीचर का जो स्टेटस है वो एलिवेट होने की बजाय ड्रॉप कर रहा है। अगर आप फॉरेन में चले जाएं तो टीचर को क्रीमी लेयर में ऐड किया जाता है, सेनेट्स भी डिसॉल्व हो जाती हैं एंड जजेस खड़े हो जाते हैं टीचर के ऑनर में, लेकिन यहाँ पे इतना बुरा स्टेटस माना जाता है टीचर्स का कि लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना भी नहीं चाहते, जबकि सरकारी टीचर जो है वो हर तरह का काम कर रहा है, हर जगह अपनी एफिशिएंसी बिसाइड्स अदर वर्क्स। आप देखें हमारे जो बच्चे हैं, हमने वर्चुअल मोड इतना सक्सेसफुल किया है कोविड में, टीचर्स इतने इक्विप्ड नहीं थे और इतने वेल ट्रेंड नहीं थे कंप्यूटर्स में, इसके बावजूद 2 साल जो है ऑनलाइन टीचिंग मोड टीचर्स ने चलाया, बच्चों को अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, उनके भी वो नॉन रिसोर्सफुल लोग हैं, लेकिन टीचर्स ने साइड बाय साइड उनकी हेल्प भी की और बच्चों को अपग्रेड भी किया उनकी एजुकेशन में, और इसके अलावा गवर्नमेंट का बहुत साथ दिया, एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स के तौर पर टीचर्स काम कर रहे हैं, लेकिन जब डिमांड की बारी आती है तो मैम मैं कहना चाहूँगी, मैम बिल्कुल सही बता रहे हैं, जैसे कि कोरोना काल में भी हम सब ने मिलजुल कर बच्चों के लिए काम किया, तो देखिए जैसे कि एजुकेशन से बच्चों को हम लुप्त नहीं रख सकते, क्योंकि उनका हक है, वो उनको देना है, हम लोगों को पे मिलती है, हमें उनको देना है वो, हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से हमने बच्चों के लिए बहुत मेहनत की है, जहाँ पर एक मानसिक संतुलन उस टाइम पे बहुत जरूरी था। आपको क्या लगता है, क्योंकि इस वक्त आप मांगे कर रही हैं, तो जहाँ जहाँ नियुक्त सब टीचर्स की बात करें, जहाँ जहाँ उन्हें नियुक्त किया गया है, तो इस वक्त क्या बच्चों की पढ़ाई मुश्किल में नहीं है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई पर असर जो है वो क्या पड़ नहीं रहा है? बिल्कुल मैम, देखिए गवर्नमेंट ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स दे रही है,
ठीक है, दुरुस्त है, लेकिन उन ऑर्डर्स को उस समय में दीजिए कि वो टीचर्स अपना काम भी कर पाएं और उन ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट भी कर पाएं। अगर एक्टिविटीज चलेंगी और बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वो भी एक सही, हम नेशन बिल्ड नहीं कर रहे हैं मैम। एक्चुअली मैम पता क्या है, हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम अपनी क्लासेस लेके आए हैं। इट्स नॉट कि हम अपनी क्लासेस नहीं लेके आए हैं, वी आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल अबाउट इट। एंड सेकेंडली हमें आवाज़ उठानी पड़ रही है, ये एक मुद्दा है जो पिछले आपने सवाल पूछा था कि कितने सालों से जी, कब से आप ये आई थिंक सर ने बता दिया 2014 9 साल की ये बात है। तो जो प्रमोशन पॉलिसी है उसको अपग्रेड ही नहीं किया जा रहा, जो प्रमोशन डिजर्व कर रहे हैं उनको जैसे गणेश सर कह रहे हैं लॉलीपॉप दे के चुप कराया जा रहा है। ठीक है, तो हमारी ये जो फोरम है टीचर्स JKTF जो फोरम है डेफिनेटली आवाज़ उठा रही है। अब अल्टीमेटली वी ऑल्सो हैव टू कम फॉरवर्ड। आप देखें, आप हमारे मुद्दे आगे लेके आते हैं, हमारे हर एक मुद्दा हाईलाइट हो, आप हाईलाइट करते हैं कि टीचर्स ने ऐसा किया। आप एज अ मीडिया आप हमारे छोटे से छोटा मुद्दा उठा के ले आते हैं, टीचर्स ने आज ऐसा कर दिया, टीचर्स ने वैसा कर दिया। टीचर्स के भी अपने मसाइल हैं, वो कैसे हर जगह हरास हो रहा है। देखो अकेडमिक साइड की बात करते हैं, लेकिन अकेडमिक साइड तो डाउन होती जा रही है क्योंकि एक्टिविटीज इतनी सेंड कर दी जाए, एक एक दिन में 20-20 एक्टिविटीज आती हैं, उस पर अकेडमिक साइड पे कितना असर पड़ा। ठीक है, होनी चाहिए, हमारी जो एजुकेशन है अकेडमिक बेस्ड होनी चाहिए, हम भी कहते हैं होनी चाहिए, बट कोई लिमिट होनी चाहिए। डाक पे डाक, टीचर पढ़ाएगा, डाक बनाएगा, एक्टिविटी करेगा, क्या बच्चों की पढ़ाई उससे सफर नहीं कर रही है? हमारी इतनी लॉन्ग पेंडिंग ये जो डिमांड्स हैं 7-6 डिमांड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे टाइम टू टाइम। हमारे जो चेयरमैन हैं और उनकी जो टीम है डायरेक्टर साहब से हायर अथॉरिटी से मिलती है, जब वो नहीं पूरी होती है ओनली देन वी डिसाइड फॉर द प्रोटेस्ट। ऐसे प्रोटेस्ट नहीं होता है, अगर वो डिमांड्स फुलफिल हो जाएं तो कोई नहीं प्रोटेस्ट करेगा, कोई टीचर नहीं चाहता इस लेवल पे आने के लिए। टीचिंग प्रोफेशन जो है एक ऑनरेबल प्रोफेशन है, ना कि ऐसा कोई प्रोफेशन है। टीचर कभी नहीं चाहते कि हम लोग बैठ के यहाँ पे बच्चों का टाइम वेस्ट करें, लेकिन सर और उनकी टीम जब बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा पीक हो जाता है तभी ये प्रोटेस्ट की कॉल होती है, ऐसे प्रोटेस्ट की कॉल नहीं होती है। आप देखिए कितनी डिमांड्स है, कोई एक डिमांड नहीं है। DPC 9 ईयर से नहीं हुई है टीचर्स की, क्यों? हालांकि अगर पोस्ट हमारी वैकेंस पड़ी है फिर क्यों नहीं DPC हो रही है? अगर लेक्चरर्स प्रमोट हो रहे हैं तो वो क्यों नहीं एडजस्ट किए जा रहे हैं? बहुत सारी डिमांड्स हैं, जब हायर अथॉरिटी फेल होती है ओनली देन प्रोटेस्ट होता है, ऐसे प्रोटेस्ट नहीं होता। जी सर, क्या कहना चाहिए? मैडम एक्चुअली ये बात है कि किसी को शौक नहीं है प्रोटेस्ट में आने का। मैं भलेसा डोडा से ताल्लुक रखता हूँ, हम अपने मुद्दों के साथ हैं। अरसा दराज से हमें परेशान किया जा रहा है, हमारी लीडरशिप जाती है ऑफिसर साहिबान के पास कि ट्रांजिशन ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड टीचर्स को सुपर न्यूमररी से सब्सटेंटिव पोस्ट दिए जाए। कुछ अजला में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है लेकिन हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं हो रहा है, बिलखसूस में डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करूंगा। उसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगा DPC नहीं बैठ रही है, 2014 से कोई प्रमोशन का मौका नहीं मिल रहा है। इस तरह से ट्रांसफर का बड़ा एक वो बता रहे थे कि आप जी ऑनलाइन हो जाएगा, ये होगा वो होगा। कितने साल में प्रमोशन जो है वो दी जाए, 3 या 4 साल? नहीं नहीं, यहाँ तो 2014 से लेकर अभी तक नहीं हुई है, यहाँ कोई पता ही नहीं चलता इस डिपार्टमेंट का। कुछ रिटायर होते हैं फिर प्रमोट होते हैं, यही तो हमारा रोना है कि आप जब तक नहीं एक अध्यापक के साथ, जिस तरीके से आपने कहा कि रिटायर होते हैं तो प्रमोट है, लेकिन उस प्रमोशन का फायदा क्या? उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इंसान को जब शौक होता है, जवानी होती है, जब एक इंसान उभरता हुआ शबाब पे होता है तब इंसान को काम करने में मजा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी बहनें और हम 2000 से जब रहबरे तालीम स्कीम जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुई, बंद पड़े स्कूलों को खोला गया जहाँ जंग आलूदा थे, लेकिन सरकार को याद नहीं रहता है। सेब का अच्छा हिस्सा आप खा लो बाकी फेंक दो। जिन लोगों का अप्रोचेज हैं वो ट्रांसफरेबल हो गए हैं, उनको ट्रांसफर हो रही है, जो ब्यूरोक्रेसी से लिंक है, जो पॉलिटिकल लोगों से जिनके पास है पावर वो तो होते हैं, जिनका किसी एक हमारे भाई, लेकिन कहते हैं जी आम ट्रांसफर पॉलिसी होगी नहीं, स्कूल डिफॉल्ट होंगे। हम कहते हैं कि ए बी की जगह जाए, बी ए की जगह जाए, ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। हमारी बहनें जो फार फ्लंग एरिया पे वो मैरिज को एंजॉय करें या ड्यूटी दे दें। और आपको मैं बताऊंगा कि देखो वी आर ड्यूटीफुल और 100% मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि हमारा काम अच्छा है और हम बेझिझक होकर अपने राइट्स के लिए बात कर रहे हैं। एक तो हमारा कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। एवरी वी आर टीचर, जब आपको टीचिंग का जॉब है फिर ये ग्रेड में नॉमेनक्लेचर डिफरेंट क्यों दे रहे हैं आप? जब कभी आप RRT बता रहे हो, कभी आप ग्रेड सेकंड बता रहे हो, कभी SSRB से, कभी जर्नल लाइन, वाई क्यों ऐसा क्यों होता है? हमारा यही है कि टीचर को आप इज्जत दे दो, टीचर काम तनदेही से करेगा तो एजुकेशन स्टैंडर्ड हाई होगा। नंबर सेकंड में आपको बताऊंगा ट्रांजिशन जो है ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड की वो तो फिल फोर होनी चाहिए, उसके साथ साथ ट्रांसफर पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट
आपको एक बात बताऊंगा, नित नए प्रोग्राम आते हैं। आजकल मैं कहीं मीडिया में सुन रहा था कि आप हर स्कूल में एक सनम लोटस जी का काम करेंगे, प्रिंसिपल साहब क्या बारिश गिरेगी स्कूल बंद करना है नहीं करना है। देखो एक पीछे से जो एक डेकोरम बना है, हमारी मांग है कि फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट के लिए जो कुछ है, वी आर फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट, हम उसके लिए पेड हैं, ये हमारा कोई एहसान नहीं है। लेकिन एक प्रॉपर चैनल होता है, जब आप खुश रहोगे ना, आपके मसाइल हल होंगे, आप खुशदिली से काम करोगे ना, तो ज्यादा आउटपुट निकलती है, ज्यादा प्रोडक्शन आती है, ज्यादा आपका स्टैंडर्ड हाई होगा। जब आप अपने कर्मचारी को, अपने काम करने वाले को बार बार तंग करोगे, कभी एक चीज से आप बीएलओ पता नहीं क्या क्या काम करवाए जाते हैं, और जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसे डिबेट किया जाता है, जब एनुअल रिजल्ट आ जाएगा उस वक्त बोलेंगे क्या बात है, खैर वी आर कॉम्पिटेंट, हम काम करेंगे, काम करना हमारा फर्ज है, वो हमारी क्योंकि हमें एक ऐसा पेशा मिला है। लेकिन हमारे राइट्स हैं, राइट्स को वायलेट नहीं किया जाना चाहिए। और बिलखसूस मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, डायरेक्टरेट में जाके ये लोग पता नहीं क्या करते हैं, बुराने इज्जत माफ है हमारे, हमें चेयर की इज्जत है, हमें ऑफिसर्स की इज्जत है, लेकिन उनको भी हमारी इज्जत का सोचना चाहिए, उनको भी जस्टिस करना चाहिए अपनी कुर्सी के साथ। बहरहाल जब हम उनको समझ ही नहीं आती, मैं सल्यूट पेश करता हूँ एक्स कमिश्नर सेक्रेटरी अजीत साहू साहब को, जिसने लाहे अमल बनाया था टीचर के नामन कलेचर को लेकर, और एक कुछ मसाइल हल किए थे, वो ऑर्डर ही पढ़ने नहीं आते, रोज नए नए ऑर्डर आते हैं। बस मैं नहीं समझता हूँ कि ये एक परेशानी है, इस परेशानी और दुख को हम का इजहार करने के लिए जो है हम इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं और असातिज़ा के मसाइल से जुड़े हैं, दैट इज वाई कि हम यहाँ पे आप अपने फार फ्लंग एरिया से आए हैं और प्रॉपर चैनल आए हैं। हमारी डिमांड है सरकार से कि, और मैं कहता हूँ ये सवालिया निशान है डायरेक्टरेट के सामने, इस डिपार्टमेंट के सामने, वाई नेशन बिल्डर आपके सामने आ रहा है, क्यों नहीं आप लीडरशिप को बुलाओगे, डिबेट की जाएगी कौन सी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है। वी आर फॉर द वेलफेयर ऑफ टीचर, वी आर फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि जो वेलफेयर की बात हो स्टूडेंट के लिए तो वो, ये तो नेशन हमारी है, नेशन चलेगी कैसे, एजुकेशन जितना अच्छा होगा। देखो चलिए आपके पास बाद में आते हैं, मैम आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ एक तस्वीर की बात करें जहाँ पे टीचर जो है पूरा सहयोग देते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बात करें, 10 से लेकर 4 बजे तक बात करें, तो पूरा ईमानदारी से काम जो है वो किया जाता है। लेकिन जब बात आती है टीचर की मांगों की, तो सरकार आखिरकार आवाज क्यों नहीं सुनती है, कारण क्या लगता है? कारण मैम ये है कि हम ये देखते हैं कि एक टीचिंग डिपार्टमेंट का जो हाई ब्यूरोक्रेट है वो किसी रेवेन्यू से उठा के लाया जाता है या हेल्थ से लाया जाता है। कभी मैंने ये नहीं देखा कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से हेल्थ का डायरेक्टर कोई बना होगा, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी और रेवेन्यू या फाइनेंस का डायरेक्टर बना होगा। तो दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट आर डिमांड्स, उनको ये भी नहीं पता है कि इस डिपार्टमेंट में कौन क्या है। और आप देखें ब्यूरोक्रेसी को लेकर तो सीधा क्लासरूम में लॉन्च करते हैं ये देखने के लिए कि टीचर एफिशिएंसी क्लासरूम में कितनी है। अगर ये चीजें देख रहे हैं तो फिर शाबाश भी देना इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स एंड अलाउंसेस। पेरेंट्स को भी हम बार बार गुहार लगाएं तो पेरेंट्स भी डिमांड हमारी सुनती हैं। यहाँ जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं दे कम एंड गो, लेकिन इतनी डिमांड्स के बावजूद आज दिन तक कोई असर इनको नहीं हुआ है। मुझे तो लगता है टीचर जो है जनरल लाइन टीचर से अब शायद डेली वेजर ही रिटायर होगा। तो इतना शेमफुल हमारा जो सीनैरियो है तो एक टीचर बर्दाश्त नहीं करेगा। टीचर तो वो टीचर होता है जो हर उस्ताद हर एक नए पेशे को जन्म देता है। तो टीचर का तो स्टेटस आप देख रहे हैं, स्टेटस भी लो है, इसके अलावा डिमांड्स तो आज दिन तक, लेकिन इस बार मुझे लगता है, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में फेथ है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग इस बार इकट्ठा हुए हैं, ये एक ऐसा प्रोटेस्ट। ड्यूटीज की बात की है, वहीं पर आपसे मैम पूछना चाहेंगी कि इलेक्शन के टाइम पर भी ड्यूटीज जो है वो लगाई जाती है, टीचर्स की पूरा योगदान पूरा सहयोग जो है वो टीचर की तरफ से दिया जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से योगदान सहयोग की बात करें तो क्या लगता है आपको कि कब वो सहयोग जो है आपको देखने को? दैट इज द मेन मुद्दा, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि अगर हमारी तरफ से सारा सहयोग चाहिए, वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम देम ऑल्सो। जैसे कहा जाता है कि व्हेन यू कम, अब जैसे आप भी निकले हैं, बाहर निकले हैं काम करने के लिए, आप काम करने के लिए निकले हैं तो आपको ये एक्सपेक्टेशन है, आप अपना 100% देते हैं, एक्सपेक्टेशन है कि आपकी अपग्रेडेशन होगी। सो सेम इज़ अ केस विद अस। सो आई थिंक JKTF वो एक बहुत एफिशिएंट काम कर रही है, हमारी वॉइस आके रख रही है। दिस इज़ अ बेसिक प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं। हम अपना 100% दे रहे हैं, जितने भी ये पोर्टल्स लॉन्च कर रहे हैं, जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, हम शिद्दत से उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हमें भी एक पैटिंग चाहिए। तो आई थिंक ये कहा जाता है कि माँ भी दूध नहीं देती बच्चे को जब तक बच्चा नहीं रो रहा। तो हम लोग सारे बच्चे जो हम रो रहे हैं, एंड वी आर आस्किंग कि हमें हमारे हक दीजिए। चलिए आपके पास बाद में आएंगे सर, आपसे जानना चाहेंगे इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ, मैम जी ने बहुत अच्छा कहा कि हम अपने ड्यूटी अच्छे से करेंगे तो हमारे राइट्स को कोई वायलेट नहीं कर सकता है। और हमारी यूनिटी जो है, हमने पहले भी कुछ मसाइल हल करवाए हैं, वो सिर्फ हमारे इतिहाद और इत्फाक में छुपा हुआ है। जितने भी मसाइल सिक्स पे कमीशन से पहले से लेकर हम लड़ते आए हैं एम्प्लाइज के लिए और आगे भी हम लड़ेंगे, वो हमारी यूनिटी है।
तो उस यूनिटीज के जरिए जो है हम अपने मसाइल को हल करवाएंगे। हमें उम्मीद है कि आज के प्रदर्शन से जो है हमारे डायरेक्टर साहब काफी समय से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि अगला स्टेप जो है वो आपका क्या होगा, क्योंकि काफी समय हो चुका है अभी तक मांग जो है वो नहीं सुनी जा रही है, तो अगला स्टेप? हाँ, देख लीजिए, हमारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एम्प्लाइज की यूनियन है, जो है वो बैठेंगी, आपस में डिस्कस करेंगी, डेलीबरेट करेंगी और फिर हम अगला प्रोग्राम दे देंगे। अगर 30 नवंबर तक ये मसले हल हुए, बिलखसूस ट्रांजिशन आप सुपर न्यूमेररी से ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड की सीनियरिटी बेस पे जो है वो सब्सटेंटिव पोस्ट पे ना हो, और दूसरे मसाइल हमारे डीपीसी के हों, एनुअल ट्रांसफर ड्राइव हो, या जो भी हमारे मसाइल हैं, या वो एनपीएस टू ओपीएस। देखिए, आप एक सरकारी कर्मचारी नौकरी क्यों करते हैं, बाद में इंसान आराम से जिए। हमारे कुछ एक साथी की डेथ होगी, उनकी पेंशन 400 या 500 बन रही है, फिर किस लिए नौकरी करनी है? इसीलिए तो हम जा रहे हैं एक सीएसआर में कि कम से कम उसके बाद हमारे बच्चे आराम करें, बढ़ापे में हम अच्छा सहारा हमारा बने। वो जब होगी नहीं पेंशन तो फिर काम करने का मैम कोई फायदा नहीं है। हमें उम्मीद है, खैर ये तो नेशनल इशू है और यूटी के लेवल का जो है, हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जैसे एज इट इज 2010 से जो है उसी तरीके से जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सभी कर्मचारी को लाया जाएगा, ताकि हमारे जो है आगे कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। जी, साफ तौर पर आप सुन चुके हैं कि इनकी मांगों की बात करें तो इनकी मांगे क्या कुछ है, साफ तौर पर आप सुन चुके हैं। और जो कुछ मांगे इन्होंने की है, जिस तरीके से काफी लंबे समय से ये मांग जो है वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मांगों की बात करें तो अनसुनी की जा रही है। आपकी क्या कुछ राय है, आप किस तरीके से इस नजरिए को लेते हैं, अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।